अब ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का, तकरीबन 6 5 6 महीने हमारा फोन पर राबिता हुआ पहले। तकरीबन जमंग 2002 के मंगे हो जाए सालो पिंजम या स्टेमा के जमंग यो बस रहे बिताऊ शॉटेर वक्त पासा तो दे पागा दागो मने रागल ले परुनो और द्वेश काल पस जमंग मुलाकात हो अल्हम्दुलिल्लाह और ची जिंदगी का ना मुलाकात हो रही है इंशाल्लाह चढ़े मिलेगी यो बस 22 साल बाद हमारी मुलाकात हो गई वाहिद भाई के साथ। तकरीबन 6 5 6 महीने हमारा फ़ोन पर रबता हुआ पहले, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप शांगला ज़रूर आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी शांगला के संगलाह पहाड़ों पर हम घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये खूबसूरत हसीन और दिलचस्प मनाजिर, अल्लाह ताला की बनी हुई ज़मीन, बनी हुई दुनिया और खूबसूरत और ऑर्गेनिक माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह ठंडे चश्मे चश्मे हैं, ठंडे ठंडे अभी आपके साथ शेयर करेंगे वो ठंडे चश्मे, वो नहर, वो नदी जो बह रहा है अबासीन उसको कहते हैं, जो आई थिंक इंडिया से या चाइना से वो आया हुआ है बिशाम के रास्ते शांगला अलपूरी। तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम और आपको भी इंजॉय करा रहे हैं, आप भी लुफानंदोज हो इस हसीन और कुदरती मनाजिर से। अल्हम्दुलिल्लाह داخل زمونږ دما سره نه زرا غو جنگل پور نه پوری دي ها نه غته دا ونی ونی دا ته زما و کې دي ها ها دا ټول راځي ته هم به راغلی ها
अब ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का, इस जंगलात में इन्होंने ये लकड़ियां इकट्ठी कर ली, ये वाली लकड़ी और ये वाली लकड़ी। लेकिन बच्चे हैं काफ़ी छोटे, तो इसको ले जाना पड़ेगा उस सामने वाले दरिया पर जो यहाँ से काफ़ी दूर है, तकरीबन 1-2 किलोमीटर। तो बच्ची भी छोटी है और बच्चा भी छोटा है। तो जो हमारे भाई साहब हैं, वाहिद भाई, इनके भतीजे हैं, हमने इसको कहा कि इस बच्चों के साथ ये लकड़ियाँ उठाओ और घर तक पहुँचाओ, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल रास्ता भी है, काफ़ी डिफ़िकल्ट रास्ता भी है, और बच्ची भी है जो बिल्कुल छोटे बच्ची भी है। चलो भाई, ये ले रहा है इसके साथ, चलो शाबाश शाबाश ले लो, कहते बच्चों शामों के शाबाश शामों के। चलो दास, ये ले लिया और अभी ये लकड़ियाँ नीचे जाएंगे। ये देख सकते हैं, यही रवादारी है, यही मोहब्बत है इन लोगों की, क्योंकि बच्चे काफ़ी छोटे हैं, ये देख सकते हैं आप। और इन दोनों के बस का काम ये नहीं है, काफ़ी छोटे छोटे बच्चे हैं। ये जब संडे होता है तो माँ बाप के यहाँ पर नहीं होते, तो लकड़ियाँ ये लोग छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे करते हैं। स्कूल की सी छुट्टी भी होती है और इन पहाड़ों में अपने लिए ज़रिया मदन भी तलाश करते हैं। तो अभी पता नहीं कि ये बच्चे इसको बाज़ार में फ़रोख्त करेंगे या घर पर इस्तेमाल करेंगे, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त कह रहा था कि यहाँ पर जितनी भी लोग हैं तो इनका इन्हिसार इन लकड़ियों और इन दरख्तों पर है, और कोई ज़रिया आमदन नहीं, ना कोई नौकरी, ना कोई कारोबार। यहाँ पर ये लोग आते हैं और यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठे करके फिर अपने घरों को चले जाते हैं। अभी नवीद भाई जो कल मेरे साथ था, शाकिरुल्ला, ये दोनों हमारे साथ हैं और छोटी बच्ची भी है, अल्हम्दुलिल्लाह लकड़ियाँ उठाई हुए हैं। और ये काफ़ी टिपिकल रास्ता है, क्योंकि बच्चे इस पर आते जाते रहते हैं, लेकिन हमारी नज़र पड़ी तो हमने ये मुनासिब समझा कि ये बहुत ही छोटे बच्चे हैं, इन रास्तों पर ये लकड़ियाँ नहीं ले जा सकते, हम पैदल नहीं जा सकते इन रास्तों पर, तो ये लकड़ियाँ उठा के किस तरह जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक और डेंजर रास्ता है। बिस्मिल्लाह, आप देख सकते हैं ये वाला, ये सारा रास्ता है, बिस्मिल्लाह, इस पर आप तेज़ भी नहीं चल सकते। अगर एक दफ़ा आप तेज़ हो गए, स्पीड पर हो गए, तो फिर आपको अपने आप को फिर काबू में नहीं ला सकते, फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, काबू नहीं कर सकते। तो इसलिए इस पर आहिस्ता आहिस्ता और स्लो स्लो नीचे उतरना पड़ता है। अभी बच्ची भी है और शाकिरुल्लाह भाई और नवीद भाई ने लकड़ियाँ उठाई हुए हैं और आ रहे हैं, ये देख सकते हैं, शाकिर भाई और नवीद भाई आ गए, शाकिर भाई इसके पीछे और बच्चियाँ और बच्ची भी हैं। शाबाश शाबाश। तो यहाँ के लोग मेहमान नवाजी के साथ साथ काफ़ी मशक्क़त वाले काम भी करने पड़ते हैं इसको, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चश्मे बह रहे हैं यहाँ से आके और इस साइड पर जा रहे हैं, तो शाबाश। हाय हाय हाय, कहाँ लग गए कहाँ लग गए, मैं सबसे पीछे रह गया जी, सबसे पीछे।